एनआईए को सौंपी गई। भोपाल में गिरफ्तार जीएमबी आतंकियों की जांच, एनआईए ने दर्ज की एफआईआर, जल्द भोपाल आ सकती है एनआईए की टीम। एमपी में ग्रेजुएशन लेवल पर सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाएगी गीता। युवा संवाद में सीएम शिवराज ने की घोषणा, नई शिक्षा नई उड़ान अभियान और डिजी लॉकर का शुभारंभ किया। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए सीएम बघेल का तूफानी प्रचार, चार जनसभाओं को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा निशाना, महामाया देवी के दरबार में पूजा कर आशीर्वाद दिया। खैरागढ़ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस सरकार को घेरा, कहा हार के डर से की जिला बनाने की घोषणा, फग्गन सिंह कुलस्ते ने बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी ने खैरागढ़ को लेकर जारी किया आरोप पत्र, रमन सिंह ने गिनाई 15 साल की उपलब्धियां, कांग्रेस सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। 85 करोड़ से कटनी में बना एमपी का सबसे ऊंचा ब्रिज, गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे लोकार्पण, 48 पिलर पर खड़ा है रेलवे ब्रिज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। भोपाल से खबर, जहां देर रात बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, बैठक में सीएम शिवराज सिंह मौजूद रहे, वीडी शर्मा और महामंत्री हितानंद भी मौजूद रहे हैं। प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो सुगबुगाहट है वो फिलहाल तेज होती जा रही है। सीएम पचमढ़ी में मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर चिंतन भी कर चुके हैं। तो पचमढ़ी में 2 दिवसीय चिंतन शिविर चला था, जिसमें परफॉर्मेंस क्या क्या रही है उसको लेकर चिंतन किया गया था। आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसकी रणनीति पर चर्चा की गई थी, लेकिन कल देर रात भी एक बैठक हुई और वो बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो सुगबुगाहट है एक बार तेज होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी में बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। वीडी शर्मा और महामंत्री हितानंद भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो रही है, क्योंकि मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर चिंतन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। पचमढ़ी में चिंतन किया गया, जिसमें 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन भी किया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तमाम तरीके के दिशा निर्देश जो है वो मंत्रियों को दिए गए हैं। और कहा यह भी गया उस समय कि जमीन पर उतरा जाए, सारे काम भूलकर जमीन पर उतरा जाए और उसके बाद परफॉर्मेंस क्या रहेगी उसके आधार पर ही आगे बैठक होने वाली है। आपको ये भी जानकारी दे दें, वो पचमढ़ी की बात थी, लेकिन कल एक बैठक हुई और देर रात तक ये बैठक चली है। वीडी शर्मा और महामंत्री हितानंद भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस बैठक में मौजूद रहे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि फेरबदल मंत्रिमंडल में हो सकता है और उसी को लेकर सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। और चलिए सीधा रुख करेंगे अमृतांशी का, अमृतांशी जुड़ गई हैं। अमृतांशी, देर रात बीजेपी की ये बैठक हुई, बैठक में क्या रहा, बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की ये जो बैठक हुई है, कल बीजेपी का स्थापना दिवस था, कई कार्यक्रम हुए बीजेपी के और कई मंत्रियों ने भी अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की, लेकिन देर रात मंत्रिमंडल के साथ सीएम ने बैठक की और इस बैठक में वीडी शर्मा जो है प्रदेश अध्यक्ष वो भी शामिल थे, साथ ही जो संगठन महामंत्री मंत्री हैं जो वो हितानंद शर्मा वो भी शामिल रहे। मैं आपको बता दूं कि पचमढ़ी में जो चिंतन बैठक हुई थी उसके परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के बाद आज ये बैठक हुई है। हालांकि कैबिनेट की बैठक तो होती आ रही है, लेकिन सीएम शिवराज ने देर रात कुछ बैठक बुलाई है, एक बैठक बुलाई है, तो जरूरी सी बात है, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ वजह रही होगी। कहा जा रहा है कि बहुत टाइम से मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी बात चल रही है और इसी को लेकर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। मैं आपको बता दूँ जो बीजेपी की बैठक है ये काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगर सीएम शिवराज ने देर रात इस बैठक को बुलाया था तो ये कहा जा सकता है कि ये जो बैठक है ये अहम है। और वहीं वीडी शर्मा भी इसमें मौजूद थे, साथ ही साथ इसमें हितानंद शर्मा भी मौजूद थे, तो ये जरूरी सी बात है कि कुछ चीजें इसमें निकल कर आई होंगी जिस पे अगर विचार किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं अमृतांशी की बीजेपी में बैठकों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और ये जो बैठकें हैं वो काफी अहम भी मानी जाती हैं, जिसमें कुछ ना कुछ जरूर निकल कर सामने आता है। अमृतांशी, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेते हैं।
मध्य प्रदेश में आज अन्न उत्सव मनाया जाएगा। 5 करोड़ हितग्राहियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। 6 महीने तक राशन दिया जाएगा। नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इसको लेकर। केंद्र सरकार ने योजना का समय बढ़ाया था। तो एमपी में आज अन्न उत्सव मनाया जाएगा। 5 करोड़ हितग्राहियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। 6 महीने तक राशन दिया जाएगा। तो 6 महीने तक हितग्राहियों को राशन मिलता रहेगा। नोडल अधिकारी इसको लेकर नियुक्त कर दिए गए हैं ताकि जो हितग्राही हैं उनको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। केंद्र सरकार ने योजना का समय बढ़ाया था। अमृतांशी लगातार बनी हुई हैं। अमृतांशी अन्न उत्सव आज मनाया जाना है मध्य प्रदेश में। क्या तैयारियां उसको लेकर की गई हैं? हितग्राहियों को लेकर क्या सूचित किया गया है हितग्राहियों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में अन्न उत्सव मनाया जाने वाला है। और कल ही सीएम शिवराज ने स्थापना दिवस के मौके पर इसकी घोषणा भी की थी कि आज अन्न उत्सव मनाया जाएगा और काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने ये बात भी कही थी कि जगह जगह अधिकारियों को तैनात किया जाएगा ताकि जो राशन वितरण व्यवस्था है वो सुचारू रूप से की जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अन्न वितरण योजना है, जो खाद्यान्न वितरण योजना है, इसका समय बढ़ा दिया गया है। और समय बढ़ाने के साथ साथ ही अब सितंबर 2022 तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। खास बात यह है कि खास तैयारियां की गई हैं इस योजना के लेकर। और आज जो अन्न उत्सव होने वाला है, जगह जगह इसके राशन वितरण केंद्र बनाए गए हैं, जगह जगह इसकी तैयारियां चल रही हैं और हर जगह अधिकारियों को तैनात किया गया है जिससे कि जो राशन वितरण है वो ठीक ढंग से किया जाए और जो लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनको ये राशन वितरित किया जाना है, उनको बहुत सुचारू रूप से ये व्यवस्था का जो है वो लाभ मिल सके। और काफी समय से केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही इस चीज को लेकर आ रही है कि जो राशन वितरण है जो लोगों को जरूरतमंद है, क्योंकि कोरोना काल में काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा था और अभी भी कई लोग जो है वो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं। तो इसी को लेकर ये राशन वितरण व्यवस्था लागू की गई है। और आज अन्न उत्सव मनाया जाएगा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। आज ये अन्न उत्सव प्रदेश के साथ साथ देश भर में मनाया जाने वाला है और गरीबों को जो है वो अन्न आज ये दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 5 करोड़ हितग्राहियों को, कम से कम 5 करोड़ लोगों को ये खाद्यान्न वितरण किया जाएगा और साथ ही साथ कई और भी लोग हैं जिनको ये वितरण किया जाएगा जिससे जो जरूरतमंद है, जो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। 5 किलो प्रति व्यक्ति जो खाद्यान्न है वो सभी को दिया जाएगा जिससे आने वाले समय में उनको किसी तरीके की परेशानी का ना सामना करना पड़े। और सितंबर 2022 तक की योजना लागू रहेगी जिससे कोरोना के आर्थिक रूप में जो परेशानी आई है उससे लोग उभर सके और ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ मिल सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, अमृतांशी आप बने रहिए, आगे भी अपडेट लेते हैं आपसे। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, नर्मदापुरम से अब खबर, जहां बेकाबू होकर पेड़ से कार टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। पिपरिया के पास कनवार की ये पूरी घटना है। तो नर्मदापुरम में हादसा हुआ है, पेड़ से कार जो है वो टकरा गई है और इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ बेकाबू होकर पेड़ से कार टकरा गई और उसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि जब पेड़ से कार टकराई तो उस दौरान इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 महिलाएं हैं जिनकी मौत हो गई है, 5 लोग घायल हो गए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। एनआईए को जेएमबी आतंकी केस की जांच जो है वो सौंपी गई है। एनआईए ने 4 आतंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिलने पर एनआईए को ये जांच सौंपी गई है। जल्द ही भोपाल आ सकती है एनआईए की टीम। एनआईए को सभी डॉक्यूमेंट्स एटीएस सौंपेगी। तो एनआईए ने 4 आतंकियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जी हाँ, और अब ये जो जाँच है वो सीधी सौंप दी गई है एनआईए के पास और साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी सौंपे जाएंगे एनआईए को। एनआईए को सभी डॉक्यूमेंट्स एटीएस सौंपेगी। एनआईए की टीम बहुत जल्द भोपाल भी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिलने पर एनआईए को ये जो जांच है वो सौंपी गई है। जल्द ही भोपाल एनआईए की टीम आ सकती है। कटनी दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। 85 करोड़ की लागत से ये ब्रिज जो है वो बना है। ओवर ब्रिज से लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। विद्युत तो बिल राहत योजना के भी सीएम शिवराज शुरुआत करने वाले हैं। 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सरकार राहत भी देने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
जहां कटनी के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 85 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बना है जिसका शुभारंभ किया जाएगा। ओवरब्रिज से लोगों को ट्रैफिक से फिलहाल छुटकारा मिल जाएगा, जो लंबे ट्रैफिक से लोगों को गुजरना पड़ता था, भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये ओवरब्रिज से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी ही सहूलियत होने वाली है। प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन चुकी आज होने वाला है, रेलवे ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। ओवरब्रिज से लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। अमृतांशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमृतांशी, कटनी दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दौरे को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कटनी और सलीमनाबाद के लोगों को आज 400 करोड़ की सौगात मिलने वाली है और सीएम शिवराज ये सौगात देने वाले हैं। खास बात यह है कि आज सीएम शिवराज 85 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। खास बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ओवरब्रिज है ये अपने आप में ही प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रिज है और खास बात यह है कि कटनी वासियों को इस ब्रिज के बनने से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ जो है वो उनकी हल हो जाएंगी, क्योंकि ट्रैफिक से उनको निजात मिलेगी। और ये जो ब्रिज है ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है, इसकी ऊँचाई जो है वो बहुत ऊपर की तरफ है, 114 मीटर से ऊपर है इसकी ऊंचाई। और सबसे बड़ी बात इस ब्रिज की ये है कि ये जो ब्रिज है ये काफी लंबा है और ये ब्रिज 85 करोड़ की लागत से बना है और ये 39 पिलर्स पे खड़ा है। तो ये ब्रिज काफी खास है क्योंकि ये जो ब्रिज है इसको इसकी जो लागत है इसमें काफी समय लगा है, काफी समय से ये ब्रिज बनता आ रहा है और आज सीएम शिवराज खुद इसकी जो है वो लोकार्पण करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विद्युत बिल योजना की भी आज सीएम शिवराज सौगात देने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। और इस जो ये योजना है इसमें उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ किए जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में ऐसे बहुत से लोग थे जो कि आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे और वो अपना बिजली का बिल नहीं भर पाए थे। तो इसी योजना की शुरुआत आज सीएम शिवराज करने वाले हैं। इस दौरान वो हितग्राहियों को वितरण करेंगे इस योजना के लाभ का, साथ ही इसमें मंत्री ओपीएस भदौरिया भी मौजूद रहेंगे और वो ये पूरा वो भी वितरित करेंगे जो प्रमाण पत्र है इस योजना के। तो खास बात यह है कि आज काफी सौगात भरा दिन है कटनी वासियों के लिए, 400 करोड़ की सौगात मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। अब मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के लिए टिकट बांटना बड़ी चुनौती होगी। अंचल की एक एक सीट पर बीजेपी के कई दावेदार मैदान में आ चुके हैं, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी चुनावी माहौल बनने लगा है। भाजपा ने चुनाव के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। ग्वालियर चंबल अंचल में तो भाजपा के टिकट के लिए दावेदारों की फौज मैदान में उतर चुकी है। ग्वालियर जिले की विधानसभा सीटों पर गौर करें तो पूर्व मंत्री अनूप कृष्णा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो सुर्खियों में आ चुका है। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं ग्वालियर जिले की उन सीटों से जहां टिकट की दावेदारी भाजपा के लिए टिकट वितरण में बड़ी चुनौती होगी। ग्वालियर पूर्व सीट उपचुनाव में हारने वाले सिंधिया खेमे के मुन्ना लाल गोयल के साथ ही पूर्व माया सिंह अनुपिश्रा दावेदार है। ग्वालियर सीट स्थानीय विधायक और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का टिकट पक्का है, लेकिन हाल ही में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया भी मैदान में आ गए हैं। ग्वालियर दक्षिण सीट पुराने भाजपाई पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता और सिंधिया खेमे के मदन कुशवाहा दावेदारी कर रहे हैं। डबरा सीट चुनाव हार चुकी सिंधिया समर्थक इमरती देवी टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं, तो वहीं कप्तान सिंह सहसारी, हरीश मेवा फरोश भी दावेदारी जता रहे हैं। भितरवार सीट अनूप मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा के भतीजे विवेक मिश्रा और सिंधिया के खास मोहन सिंह राठौर टिकट के लिए मैदान में कवायद कर रहे हैं। इसके साथ ही गोहद, करेरा, मुरैना, गुना की सीटों पर भी बीजेपी के दावेदारों की संख्या 3 से ज्यादा है। भाजपा में टिकट के लिए बढ़ते दावेदारों के चलते टिकट वितरण आसान नहीं होगा। हालांकि भाजपा ज्यादा दावेदारों को पार्टी के लिए बेहतर संकेत बता रही है। बीजेपी का तर्क है कि उनकी पार्टी में योग्य नेता है जिसके चलते दावेदार ज्यादा है, लेकिन जो सबसे योग्य और जनता की पसंद का होगा उसको पार्टी टिकट देगी। इसके साथ ही कांग्रेस पर तंज कसा है कि कांग्रेस के पास तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है। उन उम्मीदवारों में से जो दावेदार हैं, जो सर्वाधिक जीत की संभावना रखता होगा, संगठन उसको टिकट देगा और बाकी सब मिलकर उसका सहयोग करेंगे। देखिए, राजनीति में रोज ही चुनौती होती है,
हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेना चाहिए, किसी भी चुनाव को आसान नहीं मानना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी विजय के प्रति प्रतिबद्ध है। कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, किस चीज का फायदा उठाएगी? कांग्रेस अपने कार्यकर्ता को तो संभाल ले, उसके बाद चुनाव मैदान में आए। भाजपा के दावेदार भी मानते हैं कि प्रजातंत्र में 5 साल में एक बार मौका आता है, अब जनता अपने MLA और सांसद को चुनती है। जनता के लिए जो काम करेगा वही जिंदा रहेगा। हालांकि उम्मीदवारी के बाद टिकट की कितनी उम्मीद है इसको लेकर वह मानते हैं कि आने वाला वक्त ही तय करेगा। 5 साल में एक बार मौका आता है प्रजातंत्र में, जब जनता अपने MLA को चुनती है, सांसद को चुनती है, तो निश्चित तौर पर ये जवाबदेही है। जनता में जो काम करेगा वो जिंदा रहेगा। तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं और निश्चित तौर जनता की अपेक्षा होती भी है। सरकार हमारी है तो जनता की अपेक्षा है। हमारा प्रयास है कि क्षेत्र का विकास हो, हमारा प्रयास है कि क्षेत्र की जो योजना है गरीबों की, उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। उधर कांग्रेस का दावा है कि उनके पास हर सीट पर बेहतर उम्मीदवार है। 2023 में कमलनाथ की अगुवाई में दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत का कहना है कि अब भाजपा कई भाजपा में बढ़ चुकी है, ऐसे में नई भाजपा और पुरानी भाजपाइयों में खींचतान मची हुई है। भाजपा की खींचतान का फायदा उनको मिलेगा और 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी जोरदार तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। हमारे प्रत्येक सीट पे जो प्रत्याशी और जो पूर्व विधायक हैं वो दमदारी से कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी खींचतानी और रस्साकसी चल रही है और द्वंद्व चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, कांग्रेस पार्टी 23 में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। ग्वालियर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं टिकट के लिए वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और यही कारण है कि वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर दावेदारों की जो उम्मीदवारी अपनी अपनी जाहिर कर रहे हैं उसका सीधे तौर पर फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा कांग्रेस के बीच दावे और चुनौतियों के इस सियासी खेल में किसे सफलता हाथ लगती है। ग्वालियर से News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवा संवाद के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को संबोधित किया और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े उनके सवालों का जवाब दिया। ये कार्यक्रम भोपाल के कुशभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ। संवाद कार्यक्रम में 16 लाख से ज्यादा युवा वर्चुअली जुड़े, 25,000 से अधिक विद्यार्थी सीएम से सीधा संवाद करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डिजी लॉकर का भी शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी बेटे बेटियों में खूब टैलेंट है, कोई कमजोर है। किसी भी सफलता के लिए जरूरी है कि आप खुद पर भरोसा करते हैं या नहीं। सीएम ने युवाओं से कहा कि आप लोगों में अनंत शक्तियों का भंडार है, बस आत्मविश्वास होना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च की है, मैं अपने बेटा बेटियों को यह बताना चाहूंगा किस योजना के अंतर्गत। 12वीं पास और अगर वो अपना छोटा उद्योग लगाना चाहता है, सर्विस सेक्टर में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, उसके पास इनोवेटिव आइडिया है, उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है, तो 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे। लेकिन बैंक लोन देने के पहले गारंटी मांगते हैं कि पहले गारंटी तो कोई दे, अगर बच्चों ने पैसा नहीं दिया तो वापस कौन करेगा, तो उसकी चिंता मत करना। लोन वापिस करने की गारंटी कोलेटरल वो आपके मम्मी पापा को नहीं लेना है, मामी लेगा, प्रदेश की सरकार लेगी, ये हमने फैसला किया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। हमने ये भी तय किया है कि 7 साल तक 3% इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब ब्याज का पैसा, वो भी सरकार की तरफ से हम जमा करवाएंगे।
इंदौर से एक तस्वीर सामने आई है जिसे ये साबित होता है कि स्वच्छता में इंदौर नंबर वन क्यों है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शहर में गंदगी फैला रहे एक शख्स को रोका और उसे फेंकी गई पानी की बोतल को उठवाया। जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी इंदौर की स्वच्छता के लिए सजग हैं, इसलिए इंदौर पिछले 5 सालों से स्वच्छता रैंकिंग में नंबर वन पायदान पर काबिज है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के अशोक नगर से शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां 8वीं की परीक्षा देने गए छात्रों को गणित की जगह पर संस्कृत का पेपर दे दिया गया। दरअसल संस्कृत का पेपर एक दिन बाद होना था, बच्चे गणित की तैयारी करके पहुंचे थे लेकिन उन्हें संस्कृत का पेपर थमा दिया गया। अभी मामले में शिक्षा विभाग या स्कूल प्रबंधन का किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया, लेकिन आपको ये बताएं कि इस पूरे मामले में अब जाँच की जाएगी। शहडोल से अब खबर, जहां हाथियों के मूवमेंट के चलते स्टेट हाईवे बंद कर दिया गया। शहडोल रीवा स्टेट हाईवे को बंद किया गया है। विजहा से सेमरा के 10 किलोमीटर एरिया को बंद किया गया है हाथियों के मूवमेंट की वजह से, चूंकि हाथी लगातार विचरण कर रहे हैं। दोनों ही तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन ये जो एरिया है उसको बंद कर दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि स्टेट हाईवे जब बंद किया तो लोगों को हालांकि खासा परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा। छत्तीसगढ़ से शहडोल आए हाथियों के दल ने जीप में उत्पात मचाया था। 2 दिन के अंदर 5 ग्रामीणों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है हाथियों के दल ने। जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हाथियों का मूवमेंट हो रहा है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर भी मौजूद है। नौ अप्रैल को ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सिंधिया शिवपुरी के पोखरी और जौरासी भागवत कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार कार्यक्रम के अलावा सिंधिया पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी करेंगे। नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला इंदौर से सामने आया है। पॉर्न वीडियो दिखाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने होटल ले जाकर वारदात को अंजाम दिया है। एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। आरोपी महिला ने नाबालिग को पॉर्न वीडियो दिखाई थी, अश्लील फिल्म दिखाई थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। आपको जानकारी दे दें कि परदेशीपुरा पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में कर लिया गया है। आरोपी महिला ने नाबालिग को अश्लील फिल्म दिखाई थी और उसके बाद जो साथी हैं उसने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए, 1 तारीख को इस नाबालिग बच्ची के पेरेंट्स ने सूचना दी थी कि ये बालिका जो है उनके घर पर नहीं है, घर से अचानक से गुम हो गई। तो उनकी रिपोर्ट पर से 363 का मामला पंजीबद्ध कर लिया था अज्ञात के विरुद्ध। इन सभी को आज माननीय न्यायालय पेश करके और इनका जेल वारंट बनकर जेल दाखिल कराने की कार्रवाई की जा रही है। छतरपुर के बिजावर में फल सब्जी की दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।